बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाम आलकुम नादरीन कराम नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं मैं आपको शुरू में एक ख़बर दूँगा आपने उसको लतीफ़ा या मजाक नहीं समझना ना आपने उस पर हंसना है ये ख़बर है और ख़बर यह है कि आज पाकिस्तान की कौमी इसम्बली के अंदर बजट पर बहस की जाएगी और चूँकि प्रोटोकॉल या ट्रेडिशन या रिवायत यह है कि जब बजट पर बहस होती है तो कायदे ऐवान की बजाय हिजब इख्तलाफिशन लीडर उस पर गुफ्तगु करता है तो आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में मौजूद अपोजिशन लीडर राजा रियाज बजट पर हाउस खोलेंगे और वह बजट पर तनकीद करेंगे और बजट के अंदर जो कमियां रह गई हैं वो बताएंगे भला किस जमात की उस जमात की जिनके टिकट पर इन्होंने इलेक्शन लड़ना है मेरे ख्याल से आज बीबीसी या सीएनएन या जितना इंटरनेशनल मीडिया है सबकी नज़रें पाकिस्तान की कौमी असम्बली पर होंगी कि राजा रियाज़ साहब आज क्या गुफ्तगु फरमाते हैं क्या वो मुतबादल तजावीज़ पेश करते हैं और इंटरनेशनल मीडिया पर इस हवाले से हेडलाइंस बनेंगी दूसरी जानब आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पर एक गैर एलानिया पाबंदी आयद है और वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कुछ भी करने से कासिर हैं और उनको ये मौका भी नहीं दिया जा रहा कि वह अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर सकें लेकिन पाकिस्तान तहरीक और इमरान ख़ान ने आज एक बड़ा कदम उठाया है मौजूदा हकूमत की कौमी इसम्बली में कोई पोजिशन अपोजिशन नहीं है मौजूदा हकूमत की मीडिया के अंदर कोई अपोजिशन नहीं है जो वो कह रहे हैं मीडिया भी बिल्कुल वही चला रहा है कौमी असम्बली में राजा रियाज ने क्या अपोजिशन करनी है आपको पता है तो माली बहरान से या मौजूदा क्राइसिस जो है उससे मुल्क को कैसे निकालना है इमरान खान ने ही बहरहाल पहल की और अच्छी बात है उनकी हुकूमत की छः परसेंट पर इकनॉमिक ग्रोथ उन्होंने छोड़ी थी जिसको मौजूदा हुकूमत ने भी तस्लीम किया इस पर आज इमरान खान एक बड़ा प्लान रखते हैं और इमरान खान ने आज एक ऑनलाइन सेमिनार का इनका है जिसमें बजट के हवाले से बताया गया है कि क्या इस हवाले से मसाइल हो सकते हैं इसमें मॉडरेटर असलम साहब होंगे शाह महमूद कुरेशी साकिब कैशी डॉक्टर ज़ुबेर सलीम रज़ा जावेद हसन हमाद अज़हर तैमूर झगड़ा सानिया निश्तर और हम, हमायूँ अख्तर अली खिजर वग़ैरह स्पीकर होंगे और इमरान खान की नोट स्पीकर के तौर पर आ, यकी स्पीकर के तौर पर आज वो खिताब करेंगे ये बड़ी अहम स्पीच है आज इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद मौजूद हैं वहाँ पर गुफ्तु के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया इमरान खान का मजीद कहना था कि इनको इकतदार एक बार फिर मिला तो वो इस निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करेंगे एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मैं लीगल सिस्टम का जायज़ा ले रहा हूँ दोबारा आया तो इसे ठीक करूँगा इमरान ख़ान ने कहा कि मेरे खिलाफ़ लोगों को वादा माफ़ गवाह बनाया जा रहा है मिलिट्री कोर्ट शुरू हुई तो ज़महूरियत फिर ख़त्म है कभी सुना है कि मिलिट्री कोर्ट दुनिया में कहीं में, दुनिया में हैं कहीं जहाँ समरी ट्रायल हो इमरान ख़ान ने कहा कि शीरी मजारी के जाने का बहुत दुख हुआ उसकी सेहत इजाज़त नहीं देती थी कि वो प्रेशर बर्दाश्त करती मेरे लिए ये कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी होती है एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि लैया के इलाके में सारी रेत है और मेरी बहनों पर छः अरब का केस बना दिया गया है दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी का आपको पता है कि उन्होंने एक हफ़्ता जो है वो लाहौर में क्याम किया और लाहौर क्याम करने के बाद वो लाहौर से रवाना हुए आप जानते हैं जब उनकी रवानगियाँ होती हैं तो ये पाकिस्तान नहीं रुकते जहांगीर ख़ान तरीन भी दो हफ्ते के लिए बरतानिया गए हैं उन्होंने भी इब्तदाई वजह यह बताई है कि जनाब उनका तबी मुआयना होना है और साथ में नवाज़ शरीफ के साथ मीटिंग्स भी होंगी क्योंकि नवाज़ शरीफ ख़ुद भी वहाँ पर तबी मुआयना करवाने गए हैं चार साल से और उनका तबी मायन वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा अब जरदारी साहब भी जहाज़ में उड़ान भर चुके हैं और वो दुबई पहुँचे हैं बताया जा रहा है कि उनकी आँख का चेकअप होना है इसलिए वो दुबई पहुँचे हैं वो बता रहे हैं कि हम दुनिया को कर्ज दिया करेंगे हम यूँ करेंगे, इतने अरब डॉलर के असासे बनाएँगे जाहिर है जरदारी साहब के पास बड़ा इल्म है जेल में उन्होंने इकानोमी पर सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं उम्मीद है वो कोई ऐसा प्लान भी लाएंगे कि जिससे हमारे हुक्मरानों का इलाज पाकिस्तान में हो सके यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान इतना मकबूल है और लोग उसकी गुफ्तू सुनते हैं उसको गोली लगी वो पाकिस्तान में रहा वो गिरा वो पाकिस्तान में रहा शौकत खानम पाकिस्तान का हस्पता है कोई बरतानिया में हस्पताल नहीं है जबकि इनकी आँखों का इलाज भी जो है वो दुबई में होता है जबकि शरीफों का सारा इलाज बरतानिया में होता है अरबों डॉलर की जो है वो कलेजा चबाने वाली खातून सर्जरियाँ करवाती फिरती है तो ये अपने इलाज के नाम पर पाकिस्तान से बाहर जाके ही टिक टिकते हैं अब ये आ, अब ये जो हैं आपस में लड़ रहे हैं इलेक्शन के हवाले से जू जूँ ची, चीज़ें करीब आ रही हैं और पता चल रहा है चीज़ें इलेक्शन की तरफ जा रही हैं अब तहरीक इंसाफ़ को आपने रोका तोड़ा पाबंदी अपने हाथों से लगाई तो अब आपस में लड़ रहे हैं जब लाहौर में जरदारी साहब थे तो यहाँ ये एक कोशिश की गई और वो कोशिश ये थी कि किसी तरीके से जरदारी साहब की मुलाकात नजम सेठी से हो जाए लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई अब ख़बर यह है कि एहसान मिजारी जो विफाकी वज़ीर हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ज़क़ा अशरफ ही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे उनके मुताबिक उन्होंने तैनाती की समरी वज़ी अजम को भिजवा दी है और पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से उनको बैक कर रही है लेकिन दूसरी जानब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आप जानते हैं नजम सेठी को बैक कर रहे हैं तो अब देखना यह है कि इसमें जीत किसकी होती है लेकिन पीपल्स पार्टी बहाने ढूंढ रही है कि जवाब बनाकर लड़ाई की जाए और पब्लिक में शो किया जाए कि हम दोनों अलग अलग जमाते हैं और एक दूसरे के सख्त मुखालिफ हैं दूसरी जानब कराची में बड़ा अच्छा जमात इस्लामी ने नारा लगाया कि अगर इलेक्शन फेयर होगा तो हाफिज मेयर होगा यानी हाफिज नईमरहमान की वो बात कर रहे हैं अब इस वक्त कराची में तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा जा रहा है ख़रीदा जा रहा है या फिर उनको जेलों में डाला जा रहा है ताकि इलेक्शन पंद्रह जून को किसी तरीके से ना हो अब सईद गनी के मुताबिक हाफिज नई मेयर बनने की ला इलाज बीमारी में मुबतला हैं उनको कोई बताए कि मौजूदा सिचुएशन में पीपल्स पार्टी को अक्सरीत हासिल नहीं है जमत इसमी और पाकिस्तान तहरीक इसाफ़ को अक्सरीत है लेकिन जाहिर है व इस अक्सरीत को तस्लीम नहीं करना चाहते वो डंडे के ज़ोर पर अपना मेयर लाना चाहते हैं तो चलें देखते हैं कि वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं दूसरी जानब लाहौर की सदात दहशत गर्दी अदालत ने पुलिस की जानब से तहरीक इंसाफ़ रानुमा डॉक्टर यासमीन राशिद का मज़ीद जिसमानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें चौदह रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अदालत का भेजने का हुक्म दिया है गुलबर्ग प्लाजे में जलाओ घिराव केस की समात के दौरान पुलिस ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़ इख्तियार किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद गुलबर्ग अस्क्री टावर हमला केस में मुलव हैं और तफ्तीश के लिए उनके जिसमानी रिमांड की इस्दा की तहम अदालत की जानब से यह दरखास्त मुस्तरद की गई और डॉक्टर यासमीन को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया गया दूसरी जानब जहां अरशद शरीफ को शहीद किया गया इमरान रियाज को ग़ायब किया गया और मकबूल जान डॉक्टर मोहित पीरजादा साबिर शाह केर आफ्ताब इकबाल सभी बैरून मुल्क चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर घुटन ज़दा माहौल है गुफ्तु करना बड़ा मुश्किल है तो अब सोशल मीडिया पर भी क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है और इस्लामाबाद के थाना रमना में कौमी सलामती इदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने के इल्ज़ाम के तहत चार बैरून मुल्क मुकम पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ इंसद दहशत गर्दी और गद्दारी के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है इस मुकदमे में शाहीन साहबाई सैयद हैदर रज़ा मैदी वजाहत सईद खान और इसके अलावा आदिल फारूक राजा को भी नामज़द किया गया है इस मुकदमे में जो इंसदा दहशतगर्दी और गद्दारी दफात के तहत दर्ज किया गया है इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि नौ मई के दिन मुलजमान ने बैरून मुल्क से इदारों के खिलाफ लोगों को भड़काया ये भी कहा गया है कि ये लोग मुल्क के अंदर बगावत और इंतशार फैला रहे थे और मुलजमान गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं आपको पता है कि शाहीन सहबाई और वजाहत सईद खान ये सहाफ़ी हैं और सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल चलाते हैं अब नादरीन कराम अगली खबर एवान सदर से है और वो और मैंने मैंने भी इस पर कहा था कि अगर ये ख़बर सच है तो इसकी वजाहत आनी चाहिए यहाँ पर एक भरपूर मुहिम चलाई जा रही है कि सदर पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ सरकारी खाते में सरकारी खर्च पर हज करने जा रहे हैं और उन्होंने प्रो, प्रोटोकॉल भी मांग लिया है जिस पर ऐवान सदर से ऐलान हुआ है जवाब दिया गया है इन इनके मुताबिक आरिफ अलवी और उनकी फैमिली के जज से के हज से मुतल ख़बरें महज प्रोपोगंडा हैं आर एफ अलवी के बच्चे पोते और दीगर फैमिली मम्बरान अपने झातीी ख़र्च पर प्राइवेट फ्लाइट्स के ज़रिए हज पर जा रहे हैं सरकारी हज से मतलब ख़बरें बेबुनियाद हैं अच्छी बात है सरकारी खर्चे पर जाना कोई मुनासिब बात नहीं है जाते जाते एक आखिरी ख़बर आपको दे देता हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हारून रशीद कह रहे हैं कह रहे थे कि नाम भी ऐसा रखा है जो ज़ुबान पर नहीं चढ़ता कोई अच्छा ही रख लेते अब तो लोग खुल कह रहे हैं जैसे चौधरी सरवर बार बार कह रहे हैं उन्होंने कल टीवी शो पर भी कहा कि ये जो नई पार्टी बनी है इसमें नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा शामिल है ओन चौधरी जो जाहिर है इस्तेकाम पाकिस्तान से मुंसलिक हैं और शहबाज हुकूमत का हिस्सा भी हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से गुज्तः एक साल में झातियात और दुश्मनियों का माहौल बन गया है ऐसा सियासत में पहले कभी नहीं था तो इसी वजह से हमने पाकिस्तान की सियासत को इस्तेकाम देने के लिए इस इसमात का नाम इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी रखा है हालांकि अगर देखा जाए तो ये वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की असल वजह हैं या पूरे इस करप्ट निज़ाम के बेनिफिशरी हैं लेकिन वो कभी एक नाम से मंजन बेचने आ जाते हैं तो कभी दूसरे नाम से अगर ये नवाज शरीफ की मर्ज़ी और मंशा के साथ आ भी रहे हैं तो एक बार फिर मैदान आवाम के मैदान में आए अवाम इनका जल्द हिसाब चुकता कर देंगे तो नादरीन कराम आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा